इस सर्कुलर डेट कमेटी का आखिरी इजलास में एक रिपोर्ट पेश की जाएगी। मैं ये डर रहा हूं कि उस रिपोर्ट में कहीं शिबली फराज साहब हाथ ना खड़े कर दें कि भाई ये बिजली का मसला पाकिस्तान का हल नहीं होने वाला। अगर उन्होंने हाथ खड़े कर दिए तो याद रखिए ये जो 22,000 मेगावाट बिजली आपको मिल रही है ये मिलना बंद हो जाएगी, क्योंकि ये इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं है। बैंक अब कर्जे नहीं दे रहे गर्दशी कर्जे को खत्म करने के लिए या कम करने के लिए, और उस पर मार्कअप जो है वो ढेरों बनता चला जा रहा है। इसके लिए कोई अदारा नहीं है जो पाकिस्तान को मदद दे सके। अब जो आप ये कह रहे हैं कि बाहर के मुल्कों से लेंगे, बाहर के मुल्क आपको बिजली के लिए कर्जा नहीं देंगे, उसकी वजह बाहर के मुल्क पहले फिजिबिलिटी स्टडी करते हैं, वो आपके बिजली के सिस्टम को चेक करेंगे। ये पांच चीजें उनके सामने जब आ जाएंगी तो वो कहेंगे भाई साहब आप बिजली नहीं चला सकते, लिहाजा कर्जा कोई नहीं। मैं डर रहा हूं कि पाकिस्तान में जो 11,000 मजीद बिजली बनाई गई थी वो कहीं बहुत ज्यादा तबाही का बायस न बने। मैं ये डर रहा हूं।